हरे कृष्णा। भक्ति मार्ग में फेथ एंड डिटर्मिनेशन का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जो कि हम प्रहलाद महाराज के जीवन से सीखते हैं। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि क्या तेरे भगवान इस खंभे में है, तो प्रहलाद महाराज ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया कि हाँ, मेरे भगवान इस खंभे में है और वे हर जगह है। तो उनका भगवान में इतना ज्यादा फेथ था, वो भगवान को हर जगह देखते हैं। और उसी प्रकार से उनका डिटर्मिनेशन, जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को होलिका के साथ बिठा दिया अग्नि में, उन पर घातक प्रहार किए, बट फिर भी उनकी भक्ति को वो रोक नहीं पाए। और हम लोग वो ज़रा सा भक्ति करते हैं और हमें घर वाले थोड़ा ताने खिलाते हैं कि बाबा बनेगा, मंदिर जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, माला नहीं करो, तो हम सोचते हैं कि अरे भाई, हम पर पहाड़ टूट गया। आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, बट वो असुर नहीं, वो आपको जान से नहीं मार सकते हैं। तो भक्ति प्रैक्टिस करिए। फेथ और डिटर्मिनेशन को डेवलप करने के लिए आपको भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप करना होगा, भागवत का नित्यम डेली श्रवण करना होगा। जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना ज़्यादा हमें उनमें फेथ डेवलप होगा। जितना भगवान के नामों का जप करेंगे अधिक से अधिक, तो उससे हमारा डिटर्मिनेशन भी बढ़ेगा। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।